नालासोपारा पूर्व स्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वसई विरार शहर जिला की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। यह आयोजन नालासोपारा लिंक रोड स्थित बालाजी बैंक्वेट हॉल में रखा गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। वहीं यह रक्तदान शिविर साथिया ब्लड बैंक के सहयोग से रखा गया। आपको बता दें कि वर्तमान में कोविड के चलते रक्त की अधिक आवश्यकता पड़ रही है, परंतु प्रदेश में रक्त की काफ़ी कमी है, जिसके चलते भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभय कक्कड़ व उनके सहयोगियों ने यह शिविर का आयोजन किया। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेशन आप कैसे दोगे? देखो, सबसे पहले गुड़ी पड़वा के नवीन साल की ढेर सारी शुभकामना सभी को। नए साल में एक नया संकल्प युवा मोर्चा ने लिया है कि आइए हम सब मिलके एक रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने से सर्वश्रेष्ठ दान है, आप जानते हो। मैं सभी वसई विरार जनता के और का हमारे जो भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, सब पदाधिकारी है, सबसे एक निवेदन किया था हमने। पिछले कई दिनों से वसई विरार की जनता को ना बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना रक्त मिल रहा है। तो एक रक्त कैसे हम लोगों तक पहुंचा सके, उसका हमने एक आह्वान किया और ज़्यादा से ज़्यादा युवा आ रहे और रक्तदान कर रहे हैं। आप संख्या देख रहे हैं कि अभी करीब करीब 50 के आसपास हुए हैं और हमारा टारगेट 150 या 200 तक करने का, और ये हम लोग टारगेट पूरा करेंगे और वसई विरार की जनता को रक्त मिले तो हम लोग निवेदन करेंगे। वहीं रक्तदान को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष राजन नाइक ने भी जानकारी दी। अपना जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? रक्तदान शिविर का आयोजन का उद्देश्य यही रहता है कि रक्तदान करो। आज ब्लड की बहुत स्केयरसिटी है, बहुत कम है, कोरोना के पेशेंट बढ़ते हैं और कोरोना के पेशेंट के साथ साथ बाकी जो रेगुलर जो पेशेंट है उनको भी ब्लड की आवश्यकता रहती है, खून की आवश्यकता रहती है। कोरोना में के महामारी में लोग ब्लड डोनेशन के लिए इतने आते नहीं है, और वैसा भी है कि गर्मी के टाइम में लोग डोनेशन इतना करते नहीं है। तो यहाँ हमें ऐसा मालूम पड़ा कि नालासोपारा वसई विरार में ब्लड की स्केयरसिटी है, बहुत कम ब्लड पैथोलॉजी में उपलब्ध है, और टीवी के भी ऐसा एक न्यूज़ आया था। तो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभय कक्कड़ और उनके सभी साथियों ने ऐसा तय किया कि ब्लड डोनेशन कैंप अभी तुरंत किया जाए। उसके तहत आज साल हिंदू साल की शुरुआत है, गुड़ी पड़वा है, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है, तो शुभारंभ आज से इस करते हैं। और इसके पहले भी कोरोना काल में हमने बहुत ब्लड डोनेशन करीबन 6 से 7 ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं, और अभी लोगों को अर्जेंसी होने के नाते हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया है। अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कि सीधे तौर पर ब्लड डोनेशन से बचते नजर आते हैं, उन लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खून की इम्पोर्टेंट, खून का महत्व हमें जब भी मालूम पड़ता है कि जब भी हमारे घर में किसी को खून की आवश्यकता हो और खून के लिए भागदौड़ करना पड़े, तभी खून की कीमत जो है अपने को मालूम पड़ता है। तभी किसी को हमने ज़िंदगी में देखा नहीं है, जब ज़िंदगी में किसी को देखेंगे, ऐसे आदमी का खून हमारे परिवार के किसी सदस्य को काम आता है, उसकी जान बचती है, तभी खून की कीमत हमें मालूम पड़ता है। इसलिए मैं सभी को विनम्रतापूर्वक आह्वान करूँगा, खून उसी आदमी का लिया जाता है जो खून देने लायक है। पहले टेस्ट किया जाता है, 1 मिनट में जो टेस्ट करते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन 12-13 से ऊपर है उसका ही खून लिया जाता है। और खून देना एक डोनेशन दान वो तो है ही उसके साथ, लेकिन साइंटिफिकली वो उसके कुछ लॉस नहीं देते हो। खून जो अपन देते हैं वो तुरंत अपने खून में शरीर में खून आता है और शुद्ध हो जाता है खून। बाकी जो जहाँ पैथोलॉजी में अपना खून जाता है वो टेस्ट होता है, तो अपने को अगर दुर्भाग्य से कोई अपने को थोड़ा माइनर तकलीफ होएगा वो भी हमें मालूम पड़ता है कि भाई फलाना आदमी ने ब्लड डोनेशन किया था, उसका आगे और जानकारी करो, कोई भी फायदा हो सकता है, अपने को फायदा मिलता है। इसलिए मैं सभी आपको आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा, विनंती करूँगा कि साल में कम से कम एक बार यहाँ 60-60 बार खून डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए हमारे पास है आदमी आते हैं, तो हमें साल में एक बार कम से कम एक बार ब्लड डोनेशन किया दे करना चाहिए, ऐसे में आपसे माध्यम से आग्रह पूर्वक विनती करूँ। वहीं रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया। वहीं इस अवसर पर भाजपा से राजन नाइक, मनोज बारोट, अभय कक्कड़,
व अन्य कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नाला सुपारा से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।